स्वच्छता भारत की तस्वीर है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ बहनों को घर में हर घर नल हर घर जल, और आपको जानकर खुशी होगी कि 62 लाख कनेक्शन हमको उड़ीसा में दिया है, और आपके जिले गंजाम में 2 लाख गैस का इसका कनेक्शन दिया गया है, 2 लाख हर घर नल हर घर जल। और आगे मोदी जी के राज में कोई भी घर बिना जल के कनेक्शन के नहीं रहेगा, और अब हम उज्ज्वला योजना में भी गैस पाइप से पहुंचाएंगे, सिलेंडर से नहीं, पाइप से पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरीके से विकसित भारत को ले जाएंगे। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस विकास के साथ साथ आपको विपक्ष की सरकार होने के बावजूद भी मोदी जी ने यहां आपको आर्थिक दृष्टि से पैसा देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जो आपका टैक्स में अधिकार था वो 3.5 गुना प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ा दिया है। जो आपको ग्रांट इन एड, जो आपको मदद के रूप में मिलता था, उसको भी मोदी जी ने 3.5 गुना बढ़ा दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का परमानेंट कैंपस संबलपुर में स्थापित कर दिया गया है, और स्मार्ट सिटी में राउरकेला और भुवनेश्वर को जोड़ लिया गया है, और 2000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए हैं। आज उड़ीसा में नेशनल हाईवे में 4300 किलोमीटर की सड़क बन रही है, और आपको जानकर खुशी होगी कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और रेलवे में 12 गुना हमारा बजट उड़ीसा का बढ़ा दिया गया है, 12 गुना बढ़ा दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन पुरी से लेकर विशाखापट्टनम तक, राउरकेला से लेकर भुवनेश्वर पुरी तक, और हावड़ा से लेकर पुरी तक इसको चला दिया गया है। 4 नए एयरपोर्ट ऑपरेशनल कर दिए गए, झारसुगड़ा, जयपुर, राउरकेला और उत्केला, ये चारों एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च 1600 करोड़ रुपए की लागत से आपके इलाके में शुरू कर दिया गया है, आपके इलाके में लागू कर दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी अमृत भारत 57 स्टेशन उड़ीसा में बन रहे हैं, और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि अब आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में फर्क नहीं महसूस होगा। वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बन रहा है तो वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन भी बनेगा, और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी 25 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 550 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट कर दिया गया है। इसलिए मित्रों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप प्रदीप कुमार पानीग्रही जी को, जो लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, लगभग 30 साल से समाज से जुड़े हुए हैं, सादे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए इनको आप चुनाव जिताइए। बोलिए इनको चुनाव जिताएंगे ना, जोर से बोलिए जिताएंगे ना, धन्यवाद। और इसके साथ साथ छतरपुर से कृष्णचंद्र नायक को आप चुनाव जिताएंगे, और गोपालपुर से विभूति भूषण जैना को आप चुनाव जिताएंगे, और बिरहामपुर से अनिल कुमार को चुनाव जिताएंगे, और दीघा फांदी से सिद्धांत महोपात्रा को आप चुनाव जिताएंगे, चिकती से मनोरंजन दयान समात्रे को जिताएंगे, और मोहाना से प्रशांत मलिक को आप चुनाव जिताएंगे, और परालखेन मुंदी से आप के नारायण राव को चुनाव जिताएंगे। जोर से बोलिए, आप चुनाव जिताएंगे ना, कमल पर बटन दबाएंगे ना।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।